ध्यान से सुनिएगा, माइक से बदायूं लोकसभा सीट के प्रतिनिधि का नाम गूंज रहा था। मंच पर बदायूं के सांसद संघमित्रा मौर्य बैठी थी, लेकिन चर्चा दुर्विजय शाक्य की हो रही थी। लोकसभा का भविष्य के प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े भाई श्रीमान दुर्विजय शाक्य जी सम्मानित हैं, क्योंकि संघमित्रा को 2024 के लिए पार्टी ने दरकिनार कर दिया है। कहा जा रहा है कि इसका दर्द आंसू बनकर संघमित्रा मौर्य की आंखों से छलक आए। देखिए, दोनों हाथ इनके चेहरे पर है, फफक फफक कर रो रही हैं, फिर खुद ही हाथों से अपने ही आंसू पोंछ रही हैं। बगल वाली कुर्सी पर योगी की मंत्री गुलाबो देवी बैठी हैं, वो भी शायद संघमित्रा मौर्य को कुछ समझा रही हैं। हाथों का इशारा और जुबान की भाषा तो यही बयां कर रही है। जब आंसू छलक कर बाहर निकल आए और छुपाने से भी नहीं छुप पाए, तो संघमित्रा मौर्य मंच से उठकर चली गई, शायद अपने आंसू धोने। लेकिन जब मीडिया ने यही सवाल किया, तो सधी हुई सियासतदान की तरह संघमित्रा ने अपने आंसू के किस्से की कुछ और ही कहानी सुना दी। मंच पर हमारे बगल में प्रदेश की मंत्री आदरणीय गुलाब देवी जी बैठी हुई थी, और उस वक्त कार्यक्रम नहीं चल रहा था, तो आदरणीय मंत्री जी एक राजा दशरथ की कहानी सुना रही थी, और वो कहानी भावुक था, मार्मिक था। तो निश्चित तौर पर महिला होने के नाते भावुक होना एक स्वाभाविक विषय है, और सिर्फ उस कहानी की वजह से आंखें नम हुई थी। संघमित्रा मौर्य कोई कमजोर नहीं है, संघमित्रा मौर्य बहादुर महिला है और इस देश की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिला है, तो वो इतनी छोटी छोटी चीजों पर उसकी आंखें नम होना या भावुक होना कतई उसके ऊपर शोभा नहीं देता है। अपने आंसू छुपाने के लिए संघमित्रा मौर्य जिस कहानी का जिक्र कर रही हैं, वो इन तस्वीरों और पीछे से आ रही माइक की आवाज से मेल तो नहीं खाती। खैर, मीडिया ने फिर से सवाल किया, टिकट कटने का मलाल तो नहीं है, तो फिर नई कहानी सुना दी। टिकट को लेकर के अगर होता तो मैं पहले दिन जब लोकसभा प्रत्याशी जी बदायूं आए, तो मैं उनके सामने बरेली से बदायूं तक नहीं आती, पूरे कार्यक्रम में उनके साथ में नहीं रहती। जिस हृदय की गहराई से मैं उनके साथ में लगी हुई हूँ अपना चुनाव समझ करके, मैं कतई उनके साथ में नहीं होती अगर टिकट को लेकर के होता तो। पार्टी में मान सम्मान को लेकर कहीं कोई ऐसी बात नहीं है? कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, अगर तब भी कोई दिक्कत होती तो भी मैं कार्यक्रम से दूरी बना करके रखती। संघमित्रा मौर्य ने तो साफ कर दिया कि ना उन्हें टिकट कटने का दुख है, ना पार्टी से कोई गिला शिकवा। लेकिन संघमित्रा के पिता स्वामी प्रसाद मौर्य को योगी सरकार से एक नहीं हजार शिकायतें हैं। सुनिए स्वामी क्या कह रहे हैं। पूरे प्रदेश में सरकारी अराजकता का बोलबाला है, न्यायपालिका भी सरकारी अराजकता के सामने घुटना टेक चुकी है। जो काम न्यायपालिका को करना चाहिए आज सरकारी तंत्र खुद सरकारी गुंडा तंत्र के बलबूते उस काम को अंजाम देने में लगी हुई है। बता दें कि संघमित्रा यूपी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। बीजेपी छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद पार्टी पर काफी हमलावर रहे हैं। उन्होंने हिंदू धर्म और ब्राह्मणों को लेकर कई टिप्पणियां की हैं, जिनसे काफी विवाद हुआ है। इन सब के बीच अटकलें लगाई जा रही थी संघमित्रा का बदायूं से टिकट कट सकता है, और आखिर में हुआ भी है। हालांकि इस बात में भी सच्चाई है कि टिकट कटने के बाद भी संघमित्रा मौर्य बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में गए थे, और ये भी 100% सच है कि उस दौरान वो हंसती मुस्कुराती नजर आई थी। लोगों ने उन्हें पार्टी का अनुशासित सिपाही बताया था, लेकिन अब संघमित्रा का रोते हुए वीडियो सामने आने के बाद सियासी गलियारों में फिर से तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।